स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अभी कुछ समय से आप लोगों ने भी देखा होगा कि बैक टू बैक आपके नोटिफिकेशंस आते जा रहे हैं, आपकी वैकेंसीज आना शुरू हो चुकी हैं। अब बहुत सारी वैकेंसीज आनी है और आ भी रही हैं। आप लोग कौन कौन से में फॉर्म फिल कर सकते हो या किस किस वैकेंसी के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए, कहीं कोई आपकी वैकेंसी छूट ना जाए, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो आज के इस वीडियो में, आज का ये वाला वीडियो ना आप लोग सेव करके रख लेना ताकि हर एक वैकेंसी में आप अपना फॉर्म फिल कर सकूं। हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि दिसंबर महीने में एमपी की जो टॉप 5 वैकेंसीज हैं जो अभी आ चुकी हैं, जिनके नोटिफिकेशन आ चुके हैं और फॉर्म फिलिंग आपका इसी महीने या फिर अगले महीने में होने वाला है, तो वो सारी वैकेंसीज हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्या है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखने वाले हैं। और फॉर्म भरने की स्टार्टिंग से लेकर आखिरी डेट क्या है, एग्जाम की संभावित तिथि क्या है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग सेव करके रख सकते हो। देखो यहाँ पर हम लोग मध्य प्रदेश के दिसंबर महीने में 5 वैकेंसीज देखने वाले हैं। इसमें क्या क्या कवर करेंगे, टॉप वैकेंसीज, एग्जाम की डेट, फॉर्म फिलिंग डेट, आपकी एग्जाम की फीस, मिनिमम एज क्राइटेरिया और आपका मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया। देखो मध्य प्रदेश के जितनी भी वैकेंसीज इस महीने में आई हैं वो सारी हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले। जैसे आपका एमपी फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी का साथ में आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। एग्जाम डेट की बात करोगे तो 11/5/2023 को आपका डिसाइड किया गया है एग्जाम। फॉर्म आपका 20 जनवरी 2023 से भरेगा और 3/2/2023 तक आपका भरना फॉर्म का है। और एग्जाम फी की बात करोगे तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 560 रुपए, 560 इसमें मैं सारे खर्चे मिलाकर लिख दिया हूँ, ठीक है। एससी एसटी पीएच आपका 310 रुपए, इसमें सारे खर्चे आपके इंक्लूड हैं। एज क्राइटेरिया 18 से 33 है, एमपी की ज्यादातर जॉब्स की जो आपका एज क्राइटेरिया है 18 से 33 ही रखा गया है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका 10th है, ठीक है, दोनों पोस्ट के लिए। टोटल वैकेंसी की बात करोगे तो टोटल वैकेंसी आपकी 2112 है। 2112 कैसे, जैसे फॉरेस्ट गार्ड की आपकी 1772 पोस्ट है, क्षेत्रपाल की आपकी, क्षेत्र रक्षक जैसे आप बोलते हो 140 पोस्ट हैं, जेल प्रहरी की आपकी यहाँ पर 200 पोस्ट हैं। तो इस तरीके से मिलाकर आपका ये जो नोटिफिकेशन है वो 2112 पदों पर रिलीज हुआ है। इसके अलावा पटवारी जो सब ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत आई है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे एग्जाम आपका 15 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, फॉर्म फिलिंग आपका 5 जनवरी 2023 से स्टार्ट होकर 19 जनवरी 2023 तक चलेगा। फीस आपका वही 560 रुपए, एमपी के व्यापम जितने भी नोटिफिकेशन निकालता है ऑलमोस्ट सबका फीस स्ट्रक्चर आपका यही रहता है। एज आपका 18 से 40 यहां पर रखा गया है। एजुकेशन ग्रेजुएशन रहेगा और ग्रेजुएशन के अलावा इसमें बहुत सारी पोस्ट और भी हैं, जैसे आपका आरआई हो गया, एआरआई हो गया, आपका कुछ आपके असिस्टेंट ग्रेड 3 के आपके पोस्ट है तो उनकी क्वालिफिकेशन उस हिसाब से यहां पर अलग देकर रखी है। टोटल वैकेंसी की बात करोगे 7963 वैकेंसी है। अब 7963 की बात करोगे ना तो 6755 तो आपके पटवारी के पद हैं, इनके अलावा 1208 जो अलग अलग विभागों में जो वैकेंसीज हैं, जैसे आपका असिस्टेंट ग्रेड 3 हो गया, आरआई का हो गया, रेवेन्यू इंस्पेक्टर जिसे आप बोलते हो एआरआई का हो गया, और संविदा कर्मियों के भी कुछ पद हैं वो आपके इसमें 1208 में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो टोटल जो आपकी वैकेंसी है वो 7963 पदों पर आने वाली है। एमपी एक्साइज कांस्टेबल की बात करो, आबकारी विभाग या फिर आबकारी कांस्टेबल की बात करो तो इसका भी नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। एग्जाम आपका 20 फरवरी 2023 में आपका निर्धारित किया गया है। फॉर्म फिलिंग आपका इसी महीने मतलब 10 दिसंबर 2022 से चलेगा और 24 दिसंबर 2022 तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। फीस स्ट्रक्चर आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। एज 18 से 33 आपका रखा गया है और क्वालिफिकेशन 12th पास है। टोटल वैकेंसीज अगर देखोगे तो 462 है, पहले 462 नहीं थी, पहले बहुत कम वैकेंसी थी, अभी हाल ही में ये वैकेंसी आपकी इतनी की गई है। ये भी संभावना है कि आगे और बढ़े, लेकिन फाइनली अभी 462 पदों पर आपकी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। इसके अलावा आपकी एमपी कोऑपरेटिव बैंक का भी नोटिफिकेशन आ चुका है काफी समय के बाद। एग्जाम डेट हालांकि अभी फाइनल नहीं किया गया है, लेकिन हाँ फॉर्म आपका 26/11/2022 से स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब 26 नवंबर से ही आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये चलेगी आपकी 25 दिसंबर 2022 तक, मतलब आज जिस डेट में आप लोग वीडियो को देख रहे हो दिसंबर महीने के, वो आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। फीस की बात करोगे तो 500 रुपए और 250 रुपए, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 500 रुपए, एससी एसटी पीएच आपका 250 रुपए। अगर आप एज की बात करोगे तो 18 से 35 साल एज क्राइटेरिया यहां पर रखा गया है।
एजुकेशन की बात करोगे तो बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए और आपके पास कोई भी एक कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे वो DCA का हो, चाहे फिर आपका PGDCA, या फिर कोई भी और आपके पास कंप्यूटर का एक साल का, कम से कम एक साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, तो इस वैकेंसी में आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। वैकेंसी की बात करोगे तो 2254 आपकी टोटल वैकेंसी यहां पर आपकी आ चुकी हैं। अगला आप बात करोगे तो भाई MPNHM, ये आपका नर्सिंग का जॉब है, स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट 2022, एग्जाम डेट हालांकि अभी फाइनल नहीं है। हाँ, फॉर्म फिलिंग की बात करोगे तो ये फॉर्म फिलिंग आपका स्टार्ट हो चुका है 25 नवंबर से, ये चलेगा आपका 22 दिसंबर 2022, हालांकि इसमें फीस बिल्कुल जीरो रखी गई है, ठीक है। और एज की बात करोगे तो 18 से 43 साल। अब नर्सिंग की जॉब है तो एजुकेशन भी कहीं ना कहीं आपका BSc नर्सिंग और जनरल नर्सिंग मिड वाइफरी आपका विद रजिस्ट्रेशन इन MP नर्सिंग काउंसिल में आपका होना चाहिए, और 12th एग्जाम इन PCB मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री आपका बायो से होना चाहिए, ठीक है। टोटल वैकेंसी आपकी बात करोगे तो 2284 आपके पद हैं। अगर आप इस वैकेंसी के एलिजिबल हो या ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो ये वाली वैकेंसी आप लोग जरूर फॉर्म फिल करना, ठीक है। दूसरा, ये सारी वैकेंसी थी जिनका आपको अभी से तैयारी शुरू करना है, क्योंकि इस बार कुछ ज्यादा ही फ्रिक्वेंटली आपकी वैकेंसी आ रही है। काफी समय से आप लोग वेट भी कर रहे थे कि भाई वैकेंसी आए, जॉब का कोई भी नोटिफिकेशन आए, फाइनली वो समय आप लोगों का आ चुका है। अब आप लोगों को करना कुछ नहीं है, बस केवल और केवल अपनी तैयारी के अलावा, तैयारी जितनी जल्दी हो सके आप लोगों को वो शुरू करनी। हाँ, परीक्षा के एप्लीकेशन को अगर अभी तक आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया हो तो आप लोग कर लेना, क्योंकि परीक्षा के ऐप को इंस्टॉल करते ही आपको MP पटवारी या फिर जो भी संबंधित आपके एग्जाम्स आ चुके हैं उनके मीडिया कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और पटवारी पर अभी खास आपका एक विशेष ऑफर भी चल रहा है, जो आपको मिलेगा मात्र पटवारी का कंप्लीट वीडियो कोर्स मात्र आपका 7999 में, ये चलेगा केवल और केवल आपके 10 दिसंबर तक। इसके लिए आपको एक कोड यूज करना है और वो रहेगा आपका 799। तो 7999 में आप विजया MP पटवारी के कंप्लीट वीडियो कोर्स से घर बैठे अपनी तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी आपका एग्जाम अगर आता है और उनके आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो आपको प्रो की मेंबरशिप भी लेकर रखनी है, क्योंकि प्रो की एक बार अगर आप लोग मेंबरशिप लेते हो तो एक साल तक आप हर एक मॉक टेस्ट लगाओगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देना होगा, ठीक है। प्रो की मेंबरशिप अगर आप लेते हो तो आपको एक रेफरल कोड यूज करना है, वो रहेगा आपका SOMSIR40। इस रेफरल कोड से आपको मिल जाएगा 40% का डिस्काउंट। एक बार की मेंबरशिप में हर एक मॉक टेस्ट को आप, जितने भी नोटिफिकेशंस मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उनके अलावा भी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी आपके एग्जाम्स हैं उनके भी आपको मॉक टेस्ट यहाँ पर प्रो की मेंबरशिप में मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, केवल एक बार की मेंबरशिप के साथ, और वो एक साल तक आपकी वैलिडिटी रहेगी, ठीक है। और इनके अलावा यूट्यूब पर भी आपकी डेली बेसिस पर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जैसे 11 बजे से आपका कंप्यूटर का क्लास है, 12 बजे से मेरा मैथ्स का क्लास है, आपका रीजनिंग का, इंग्लिश का, साइंस का भी क्लास स्टार्ट हो चुका है इसी तरीके से। तो चैनल को आप लोग अभी से सब्सक्राइब करके रखो। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूँ, वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर।